हाय, कौन आया? अच्छा, बात करता बात हेलो, हाय अमन। क्यों तुम आते हो और गायब हो जाते हो अमन? बस हाय करने आते हो और लाइक करने आते हो बस। आवाज आ रही है मेरी? बिजी हूँ दी आजकल। अच्छा, कोई नहीं। और बाकी लोग कहाँ गए? हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। तो पापा तो आ गए ना घर पे? अभी नहीं, मैंने पूछा था ना तुमसे जब कि पापा आ गए, तुमने बोला हाँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हॉस्पिटल में है? अच्छा, कि देखो 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 देखो, ऐसे बैठो, यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठो, यहाँ बैठो, और तुम्हारी फोटो खींचो, फोटो खींचो तुम्हारी। हाँ हॉर्स क्या होता है? हाँ सॉक्स, हाँ शूज, हाँ आका। हाँ चलो इधर देखो, इधर देखो। अच्छा, मामा को देखो, मामा को देखो। अरे 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 अरे, 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 अरे। क्या हुआ? बेटू, 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 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब भाग जाएंगे। चुप हो जाओ पहले, चुप चुप। डंडे लाओ, डंडे लाओ, लठा लाओ, लो बदमाशी। चुप हो जाओ, चुप। बक्कू 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 दी, आजकल फेस क्यों नहीं दिखा रही हो? अच्छा नहीं, अभी मैं आई थी ना, तब भी मैं छत पे थी, फिर थोड़ी देर मैंने फेस दिखाया था। और अभी ऐसे ही ना कोई आता नहीं है बात करने के लिए, तो वो बोरियत लगती है इसलिए। उज्जवल आ गए, हाय उज्जवल। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं हूं ना दी। अच्छा, क्या ये क्या है? ऑंख नहीं है, मम्मा का फोन है। कैसे करता है ऑन ऑंख? ऐसे करता है। जो भाई को तो कार्टून देखो, भाई को बोल दो, ऑंख लगा देगा। क्या देखना है आपको? ऑंख देखना है, और देखते हैं। हाँ अच्छा,
ओके अभी लगाती हूँ, करती हूँ। मैं हूं ना दी। हाँ लेकिन बोरियत होती है ना जब सामने वाला कोई मैसेज करता नहीं है और देख देख के फिर उबाई आती है, इसलिए। और सब मैसेज भी इतना लेट लेट में करते हैं इसलिए। अर्णव पेपा पिक लगाओ, तनु जा रहा है, तनु देखेगा, पेपा पिक लगाओ। ठीक है अर्णव, पेपा पिक लगाओ। पेपा पिक कोई है या मैं जाऊं, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिखाई दे रही हो। हम हैं ना। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा है उसमें ना, वो आइकन में 0 दिख रहा है इसलिए। मैं अच्छी हूँ उज्जवल। चलो मैं फेस इधर कर ही लेती हूँ, ठीक है। देखो मैं ऐसी नॉर्मल हूँ आज, इसलिए फेस तो दो। लो दिखा दिया फेस भाई। जब कोई होता नहीं है ना मैसेज करने में, फिर वो कोई रीड कोई मैसेज करता नहीं है, बात नहीं करता, तो फिर फेस क्या देखते रहो सामने, इसलिए नहीं करती। तो उज्ज्वल आप जॉब कर रहे हो या स्टडी? शायद आई थिंक स्टडी कर रहे हो ना अभी। थैंक यू। ओके हाँ, हमेशा तैयार होके रहना नहीं अच्छा लगता ना, कभी कभी सिंपल भी रहना चाहिए। और बताओ, डिनर कर लिया? सिंपल ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अच्छा, मैंने बाल आज मैंने वॉश किया है अपना जी। अच्छा सिंपल क्या है, देखो मैंने तो काजल भी नहीं लगाया, लिपस्टिक लगाई थी वो भी छूट गई, और कुछ नहीं किया जैसे पागल से बने हुए से नॉर्मल। नहीं मैंने अभी किया नहीं है एक्चुअली ना, अभी शाम को मैंने चाय बनाई तो साथ में पकौड़ी बनाई थी, तो थोड़ा हैवी हो ही जाती है ना बेसन की पकौड़ी वगैरह, तो अभी तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, तो मैं खाऊंगी भी तो 10 साढ़े 10 बजे तक, अभी नहीं। तो तुम्हारा घर कहाँ है उज्जवल? यूट्यूबर हो कि नॉन यूट्यूबर हो? अच्छा गाजियाबाद में। हाँ तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाजियाबाद, मतलब है बट उतना नहीं, सैदपुर में। ओके नोएडा से ज़्यादा पास है गाजियाबाद, नोएडा सेक्टर 18 शायद लास्ट है, उसके बाद ही गाजियाबाद आता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ उज्जवल।
गाजियाबाद तो यूपी में लग जाता है ना। फैमिली में अभी यहाँ पे तो मतलब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं, और बाकी जो फैमिली है वो कानपुर में है। मतलब एक देवर भी यहीं रहते हैं, वो नोएडा में रहते हैं, और बाकी जो बचे लोग हैं वो वहाँ रहते हैं कानपुर में। मतलब मेन जो घर है कानपुर में। ससुराल मतलब मेरा। हेलो दी सेकेंड लाइट, थैंक यू व्लॉगर पढ़ना। और देखो मैं शाम को 5 बजे आई थी, बट तुम नहीं आई, ना तुम आई ना मनीषा आई, और फिर भी मैं 40 मिनट तक थी, छत पे थी, तो थोड़ी देर किया, फिर बोरिंग होने लगा, हमने कहा चलो फिर चाय वगैरह बनाती हूँ। और फिर अब आज भी मैं अभी लेट ही में आई, मम्मी से बात कर रही थी, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर हो लेते हैं। अच्छा है तो हाँ, सॉरी डॉक्टर। अच्छा, क्या हुआ, डॉक्टर पास क्यों गई थी? डॉक्टर के पास कोई जाता है ना, हम सोचते हैं जाना ना पड़े डॉक्टर पास, मुझे तो बड़ी वो होती, कुछ थोड़ी सी भी होगी ना बीमारी तो हम सोचते हैं ऐसी सही हो जाए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अच्छा और बताओ, अभी तो क्या डिनर कर लिया? कभी आऊंगी। मैंने सोचा है गाजियाबाद में भी ना मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, बट इतना दूर पड़ जाता है ना कि, और फिर बच्चों को लेकर के जाना, तो अब समझ लो इनके एक फ्रेंड ना सेक्टर 18, मतलब वो कौन सा, जो कट्टा मार्केट सुना होगा ना नाम तुमने, उधर ही है सेक्टर 18 के पास आई थिंक, तो वहाँ पे गई थी मैं, इनके दोस्त रहते हैं इतनी दूर, हाँ तो उधर ही रहते हैं वो। उधर खैर इतना ज़्यादा भी वो नहीं है, मतलब जैसे दिल्ली में इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे नहीं है उतना, तो वो ठीक रहता है। मतलब गाजियाबाद उधर तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो गई थी एक दिन, मतलब दूसरे दिन वापसी एकदम थक हार गए हम लोग, हमने कहा इतनी दूर का सफ़र तो नहीं करने लायक है, या तो अपना घर हो, कुछ दिन वहाँ रुको फिर वापस आ जाओ, तब तो ठीक है, और रिलेटिव्स हैं नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स रहते हैं। उज्जवल हाय पढ़ना कह रही हैं, एंड पढ़ना उज्जवल कह रहे हैं हाय पढ़ना। बंगला फ्लोर। हाँ वही तो, मतलब अगर कोई रहता हो तो आप उस उनके यहाँ जाओ, स्टे करो 2-3 दिन, उसके बाद घूम फिर करके आ जाओ तो ठीक है, लेकिन अब सोचो कि यहाँ से उतनी दूर जाओ, फिर घूमो फिरो, फिर शाम तक वापस भी लौटो, नहीं हो पाता है, थक जाते हैं। मेरी भाभी का ही घर यहाँ से, मतलब मेरी जिठानी है वो, तो उनका है झिलमिल में, तो उतनी दूर मैं सोचती हूँ कि यार जाऊंगी, फिर मुझे आना तो है ही, फिर क्या फ़ायदा जाने से। तो ये कहते हैं कि, वो कहती हैं कि इसका क्या मतलब है, मतलब मिलोगी, बच्चे मिल लेंगे, हमने कहा हाँ, हमने कहा आएंगे, और पिछले साल से मैं उनको कह रही हूँ आऊँगी आऊँगी, अभी तक मैं गई नहीं। और बताओ दीदी अपने बारे में जी, क्या बताऊँ, क्या जानना चाहते हो बताओ, अब यहाँ कौन रहता है ये बता दिया, घर मेरा कानपुर, मेरा जो मायका है वो इलाहाबाद में है, और क्या पूछना है। बच्चे बच्चे बहुत अभी मेरे छोटे हैं बच्चे, उज्जवल एक मेरा बेटा है वो अभी 4 साल उसने कंप्लीट किया, मतलब पांचवे फिफ्थ में लगा है, और जो दूसरा वाला है वो थर्ड में लगा है, तीसरे में, दो ही बच्चे हैं मेरे, कितने मतलब दो ही बच्चे हैं, और दोनों बदमाश हैं बच्चे। लड़के हैं ना सब बदमाश, लड़के सच में बहुत बदमाश होते हैं, लड़कियां थोड़ी समझदार होती हैं, लड़के बहुत बदमाश होते हैं।
हम भी दो हैं। अच्छा, आप दो हैं लेकिन हम लोग तीन हैं, मतलब मैं हूँ और मेरे दो भाई। अच्छा, एक सिस्टर है। ओके, मतलब एक बहन और एक सिस्टर, वो ठीक है। और हम लोग, मतलब मैं हूँ और मेरे दो भाई हैं, मतलब एक बड़ा है एक छोटा, मैं बीच की हूँ। एन कौन आया? नितिन। एन, हाय मैम। हाय नितिन। और आगे एन क्या है, आपका सरनेम है या फिर जगह का नाम है? मैम शो मी हाउ वेयरिंग हैंकी मैम। अरे आपको पता नहीं है, सब ने बैन कर दिया है इसको, हैंकी वगैरह वो करने के लिए। मेरी वीडियोस आप देख लो, एक दो अभी बची हुई है तो मैंने उसमें हैंकी वियर किया, आप उसको देख लो। बट यहाँ लाइव में ना अगर मैं करूँगी तो मुझे गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी YT की तरफ से, और फिर मैं 3 मंथ तक लाइव नहीं कर सकती। तो इसलिए मैम हाउस का वेयरिंग शो मी मैम। अरे मैंने स्कार्फ से भी किया है, मैंने स्टोल से किया है, हैंकी से किया है, सब से किया है मैंने। और आप मेरी वीडियो चेक कर लो, उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि मैंने एक अभी हाल ही में डाली एक वीडियो। ओके, और एक में। ओके, तो बहन बड़ी है कि छोटी? उज्जवल। प्लीज शो मी मैम हाउ वेयरिंग। बड़ी है। अच्छा, ओके, बीए फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन कर रही है। तो तुम क्या इंटर में होगे फिर, हाई स्कूल या इंटर में? हेलो दी, हाय मनीषा। और मैं 10th का एग्ज़ाम दूंगा। हाँ वही मैंने बोला ना, तुम या तो हाई स्कूल में हो या इंटर में। कब आई? बस अभी आई, 9:15 बजे आई। आज मम्मी से बात करने लगी थी तो देर हो गई। हाँ 8:30 बजे नहीं आई थी मैं, उस समय मैं मम्मी से बात कर रही थी, तो अभी 9:15 बजे तो मैंने मतलब फ़ोन रखा है। फिर बोली हूँ मैं कि 9:30 बजे फिर फ़ोन करूँगी, तो मम्मी कहती ठीक है, तब तक मम्मी अपना काम ख़त्म कर लें। मैम शो मी प्लीज। नितिन जी आप जाके ना वीडियो चेक कर लो मेरी, आपको उसमें दिख जाएगा। बहुत लंबी भी वीडियो नहीं है, आपसे बात करके अच्छा लगता है। चलो हमें भी अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। एक तो आप अपने मैसेज डिलीट कर दे रहे हो नितिन जी। और लाइव में नहीं कर सकते ना, लाइव में वो बैन है। राहुल असीजा, हाय। हाय राहुल। मैम नाउ शो मी हाउ वेयरिंग। मैम यस मैम, 1 टाइम प्लीज। अच्छा हाँ, आज कोई फेस रैप नहीं करेगा, ये बता रहे हो या फिर वो कर रहे हो कि मतलब क्वेश्चन वाला है, या फिर वो वार्न कर रहे हो कि नहीं करना? मेरे इन-लॉज आ रहे परसों, बहुत काम आ गया। आहा, चलो तुम नहीं जा रही थी ना, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। अच्छा है, 1 हफ्ते बिजी रहोगी। बिल्कुल छुट्टी है क्या मम्मी की, स्कूल की? मैम प्लीज शो मी हाउ वेयरिंग 1 टाइम। अच्छा फोन आया होगा 2-3 दिन के लिए। हाँ तो परसों क्या, आज बुध है, कल बृहस्पति। हाँ तो सैटरडे संडे होगा ना। आप प्लीज नई वीडियो फेस रैप। अच्छा फेस रैप की नई वीडियो, दोनों ऑप्शन था, मैंने कहा आप लोग ही आ जाओ।
ये ठीक रहता है, जैसे वो लोग आ गए तो हमें कहीं जाना नहीं है, घर में ही मतलब, और अपना जाने में बड़ा दिक्कत होती है। शिव का स्कूल है सैटरडे, अच्छा अपना जाओ फिर, पूरी पैकिंग करो, पूरा पूरा समेटो सारा चीज, तो फिर वापस आओ, फिर उससे ज्यादा काम हो जाता है घर में, घर गंदा रहता है, पड़ा रहता है इधर उधर, और आके तुरंत इच्छा भी नहीं करती कुछ करने की। हाँ इसलिए मम पापा जी, मैम प्लीज शो मी, क्या शो मी नितिन, मैम प्लीज। फेस रैप, अच्छा हाउ स्कार्फ वेयरिंग, शो मी प्लीज वंस, आपको हैंकी से चाहिए, आपको स्कार्फ चाहिए, अच्छा बट एक प्रॉब्लम है ना कि मैंने फोन अपने हाथ में पकड़ रखा है, मैंने ट्राईपॉड में नहीं लगाया है, तो मुझे ट्राईपॉड में लगाना पड़ेगा फोन, फिर मुझे स्कार्फ लेके आना पड़ेगा, फिर अब पहनना पड़ेगा। आप मेरी वीडियोस देख लो ना, उसमें मैंने हैंकी से भी किया है और स्टॉल से किया है, दुपट्टे से किया है, स्कार्फ से किया है। मैं प्लीज ले आई, अच्छा लाइफ प्लीज मैम शो मी, हाउ स्कार्फ वेयरिंग, शो मी प्लीज स्कार्फ, मनी हो कि गई, उज्जवल चले गए क्या तुम? यही, अच्छा वंस, अरे एक पे तो तुम लोग रुक ही नहीं रहो, एक बार हैंकी, एक बार स्कार्फ, अब दुपट्टे पे भी आ गए। मैंने फोन पकड़ रखा अपने हैंड में, मैं कैसे करूंगी? डिनर में क्या है? डिनर में अंडा करी है और चावल है, राइस और रोटी, दाल भी है, सब्जी भी है। दाल सब्जी दिन में बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, और अंडा मैं खाती नहीं, तो मैं वो खा लूँगी, अंडा ये लोग खा लेंगे। और अभी तो जस्ट शाम को मन कर रहा था पकौड़ी खाने का, तो चाय बनाई और पकौड़ी मतलब फ्राई किए और उसको खाएं, तो वैसे अभी पेट हैवी हैवी सा लग रहा है। आज मेरे यहाँ सिर्फ, मैंने भी सुबह पता है बॉइल्ड किया था, इन लोग को एक एक दिया, क्योंकि मैं खाती नहीं, फिर अंडा खाओ, फिर बाल धो लो, फिर उसके बाद पूजा करो, अंडा खा करके पूजा तो होता नहीं वैसे हमारे यहाँ, कहते हैं बाल धुल करके उसके बाद ही करो, तो इसीलिए मैं खाती नहीं। और ये लोग खाए, पहले बॉयल खाए, उसके बाद फिर इनको वैसे भी चाहिए मसाले में भी, तो उनको दिया था। क्या हुआ भाई? मैम प्लीज शो मी हाउ वेयरिंग स्कार्फ, और ठीक है नितिन अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है?
मुझे निकालना पड़ेगा ना कबर्ड से। पापा मेरा ट्राइपॉड ले आओ। ओहो हाँ, यहाँ पे नहीं है, वहां पे है। आप ले गए थे ना उस रूम में, उस रूम में ले गए थे ना, ले गया। और अमन अंकल आ गए हैं, सब लोग अमन अंकल को नमस्ते करो, मास्टर अमन को। अर्णब मेरा ट्राइपॉड दे देना। अर्णव 1 मिनट गाइस। मैं किसी के अंकल? अरे तुम मेरे अंकल हो, मैं तुमको आज के बाद मैं अंकल ही बुलाऊंगी। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो काफी देर से मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं। मैं घर पे बात कर रही थी मम्मी से, फिर मैं अभी सीधे आ गई। देखो देखो, हाँ बहुत सुकून मिला तुमने अंकल का। कि मेरे को जब आता है तब यही कहता, आंटी आंटी करता रहता। मैंने कहा अंकल बना दूंगी तुझे मैं। क्या बोल लिखा है, आप मुझे अंकल बोलोगी तो मैं आपको बेटी बोलूंगा। पागल हो गया एकदम से। अंकल लाइक करने के लिए थैंक यू। और अंकल कैसे हो? आंटी कैसी है अंकल? फैन किसने चलाया? मैम शो मी हाउ वेयरिंग। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट वेट करना, आ रही हूँ। आपको याद करती हैं आपकी आंटी। बोलो अमन। नमस्ते मनी बेटी। खाना खा लिया मनी? मनी आपने, आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखती हो? मनी कहाँ गई?
दुपट्टा फर्स्ट। अरे अब देख रहे हो मैंने तो पोनी भी नहीं बांध रखी है, मैं कैसे करूंगी ऐसे। अरे आज मैं डिनर नहीं कर रही, जो अभी पूछेगा जो कर रही हो वही बताओ उसको, वही चाहिए खाने के लिए। कि मेरी वीडियो कोई नहीं देखता। हाँ ये तो सही है, मैंने वीडियो नहीं देखी तुम्हारी, दो दो वाली, एक ऑयल रिव्यू वाली और एक जो आज ये जिसका नाम लियो इंस्पायर्ड, वो कौन है? क्यों मनी क्यों नहीं खाया, खाना है मनी। एक मिनट आप बात करो, मैं एक मिनट अभी इसको लगा दूं ट्राइपॉड पे। क्या बोले तुम, डाइट की किस पे हो? डाइट पे हो आज, बिल्कुल माता लग रही हो। और तुम क्या लग रहे हो, भैरो? शो मी मैम हाउ वेयरिंग स्कार्फ। थैंक्स रुचू। रुचू आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगते हो, तुमने कब देख लिया मुझे? अरे टेढ़ा नहीं हुआ है, मैंने ऐसे किया था ना कैमरे को वो कर रही हूँ मैं। तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा है? आपको सबको अपने दिल में ही देखते हो तुम। अरे मुझे इसे सेट करना है ना, एक मिनट रुक जाओ। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, क्यों क्या हुआ? पता नहीं क्या इन लोगों के चक्कर में ना मैं फोन। क्या हो रहा है इसमें, ये ऑटो रोटेट ही नहीं हो रहा है। अब ठीक है ऐसे बात करूंगी मैं, वही नहीं हो रहा है। नहीं मैंने खाना नहीं खाया अंकल। अंकल आपके दांत दिख रहे हैं, ज्यादा हंसो नहीं वरना टूट जाएंगे। कैमरा टेढ़ा नहीं हुआ था, वो क्या कहते हैं वो हो गया था।
मैं उसको रोटेट कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है रोटेट, क्योंकि मैंने अभी शाम को पकौड़ी खाई है ना, इसलिए तो मेरा जो शाम का नाश्ता है वो थोड़ा हैवी हो गया इस वजह से। मैंने आज बाल धोया है और इसको मैं तो और अजीब सा हो गया। आप भी मनी की तरह डाइटिंग में हैं क्या? अरे नहीं, अगर मैं डाइटिंग में होती तो मैं पकौड़ी थोड़ी खाती अमन। हाँ कई बार मैं कितनी बार कर रही हूँ कोशिश की वो हो जाए, हो जाता है लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा। मनी आपको आपकी वीडियो सही चल गई डिनर वाली। अच्छा मैंने अभी तक देखा ही नहीं वो। मैम प्लीज शो मी हाउ वियरिंग। हाँ तो बोलो भाई किस चीज़ से वियर करूँ, हैंकी से? अकेले अकेले खा गए, मुझे पूछा भी नहीं। क्यों पूछूं तुम्हें? नहीं पूछूंगी तुम्हें। अब रो दो, जल्दी से रो। गंदी बच्ची है तुम, गंदे अंकल हो, गंदे गंदे बुढ़े अंकल जैसे कहा। चलिए अमन, ये क्या है? स्कार्फ? रोने लग गया। पेपा पिग में बोलती है वही ना, गंदे बच्चे। 93 व्यू आए हैं मनी। हे भगवान। अमन पहले तो ये डिलीट करो, नंबर लिखे हो। कहाँ अच्छी चली कोई देखता ही नहीं। दुपट्टे से मैम। अच्छा दुपट्टे से करूँ, मैंने अभी इसी के लिए वीडियो बनाई। 93 से क्या होता है? हाँ मतलब उसके लिए 93 बहुत होंगे यार। आज मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, आप लोग मेरे से वेयर करा रहे हो ना। मैं तो ऐसे ही हूँ नॉर्मल, सब तो मेकअप करके आते हैं, मैं तो मेकअप कुछ किया ही नहीं है मैंने। ऐसे दिख जाएगा मेरा ट्राइपॉड, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है मेरा कैमरा। 7 आवर्स में 93 व्यूज, और क्या चाहिए मनी? हे भगवान तुम क्या बात करते हो, 2 घंटे में लोगों के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हो जा रहे हैं और तुम बोल रहे हो 7 आवर में ये। मेरा आएगा कल। लो वैसे ऐसे बना के बात करूं तो ज्यादा अच्छा है ना, सकल व्यू हो नहीं। अमन कुछ नहीं है इतना हो गया भाई, देख लिए। क्या लिखा है? अमनी आपका फेव बहुत अच्छा है, ये क्या लिखी हो? फेव की फेस? अच्छा मनी आपको फेस देखेंगे तो सब, मनी आपका फेस देखेंगे तो सब लड़कियां जल जाएंगे। अच्छा जल जाएंगे लिखा है क्या? अमन फेस मैम डोंट रिमूव टिल वीडियो कॉल एंड। ए आप दिख नहीं रही। फेव व्हाट? फेव फेवरेट? साक्षी ठाकुर, हाय साक्षी। एंड ब्लाइंड फोल्ड करो ना रुचि। आप भाई आप कौन हो? साक्षी ठाकुर आप फर्स्ट टाइम आए हो भाई, इंट्रोडक्शन तो करवाओ अपना पहले, फिर आपकी वीडियो बहुत अच्छी चलेगी। मनी पता नहीं क्या लिख रहा है ये, फेव कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फेस ओके फेस। हेलो सबका डिनर हो गया।
तुम्हारा हो गया ना पढ़ना? मेरा नहीं हुआ है, मैंने अभी, मैं तो लेट में खाती हूँ, 10 साढ़े 10 तक खाऊंगी, और 9:30 हो गया, मुझे मम्मी को कॉल करना था। चलो मैं बाद में करूँगी, उनका आएगा तो मैं करूँगी। आप अपना फेस भी दिखा दिया करो ना मनी अपनी वीडियो में। अच्छा, मन ओ, तो इसके कहने का मतलब है कि अपना फेस दिखा दिया करो तो ज़्यादा चलेगी, ऐसा है क्या? मैम वे आर डोंट रिमूव टिल वीडियो कॉल एंड, मतलब तुम पूरी तरह से तैयारी करके आए हो बेटा कि मेरी लाइफ जो है वो चौपट हो जाए, है? अगर वाइटी का कुछ आ गया तो मैं क्या करूँगी बताओ। हाँ अमन, एक बार सिर्फ फेस दिखाऊंगी, कुछ बोलूँगी नहीं। अमन वहीं पे उसको वो कर लेगा लॉक। अमन जी कैसे हो आप? सही पकले हैं रुचू, पकले नहीं पकड़े। क्यों मनी, फेस के साथ बोलना भी है मनी। मैम वेयर इन हैंकी, हैंकी अरे मैं अच्छा हूँ एंड यू पढ़ना। आज तो पता है वो आ गई थी लाइव में, नताशा आई थी, उसको इतना मतलब इतना बोल डाला बेचारी, वो परेशान हो गई चली गई। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है मनी, और मैं सोच रही हूँ इसको मैं ऐसे करूँ, देखूँ होता है कि नहीं। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको ऐसे क्यों हो क्यों नहीं रहा है, ये वही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ये, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। क्या लिखा है? अच्छा मैं अच्छा हूँ एंड पढ़ना, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। मैं नहीं पढ़ना को चांद देख ले तो चांद भी शर्मा जाए। मैम वेयर इन हैंकी डोंट रिमूव के। अमन क्या हो गया है तुमको? मनी अपने फेस के साथ आप बोलो बोलेगी तो आपकी वीडियो 100% चलेगी। अच्छा अरे क्या करूं, आप हो ही इतनी खूबसूरत मनी। पता नहीं कितने लोगों को ये डायलॉग बोला है ये। जब भी मैं आपको देखता हूं तो मैं उसके हस्बैंड भी बगल में बैठे हैं अमन, मनी के का सामने रुचि भी फीकी लगती है। रुचु बुला लो अपने हस्बैंड को तो सही कर दें इसको, अमन को सबसे पहले आते यही पूछेंगे, अभी मरे नहीं तुम। अब दिख रहा है ना, इसको मैंने लगा लिया ऐसे, और मैं लैपटॉप को थोड़ा सा पास ले आती थी। अब ठीक है, मुंह क्यों बंद कर लिया? मेरी हैंकी हो गई है पुरानी। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, तुम्हें तो बोलना जरूरी है।
ठीक है ठीक है। मेरा हेडफोन। अमन जी, आपने मेरा वीडियो देखा? मनी कहाँ है? मनी काम कर रही है और यही है, तुम बोल लो, वो सुन रही है। हाँ जी, देखा आपकी वीडियो, मुझे बहुत पसंद आई थी पढ़ना। अच्छा, क्या था वीडियो में बताओ जरा। मैम वेयर मैम प्लीज, पढ़ना बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करती हूँ, बताओ जरा वीडियो में क्या था। हाँ सर, थैंक सर, हाई डोंट। भाई नितिन, ऐसा नहीं कर सकती ना कि मैं वीडियो के एंड तक ऐसे ही रहूं। आपने बोला था दिखाने के लिए, देखियो मैं दिखा दी, बट मैं वीडियो के एंड तक ऐसे नहीं रह सकती ना। मेरे जो व्यूवर्स आएंगे ना, मेरे दोस्त लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट रहूंगी बस, 5 मिनट तो बहुत हो जाएगा। ओनली वन, नॉट फाइव। अच्छा, स्नैक बना रही थी तब सच में तुम देखे होगे। कर लो आंख। अच्छा, कमेंट कर दिया था। हो गया। फेस रैप करने की डिमांड की थी ना, दिखाने की, रहने की थोड़ी। मैम प्लीज वेयर, कर दिया, देखो मैंने दुपट्टे में भी कर दिया, हैंकी में कर दिया, बचा स्कार्फ तो उसमें भी कर दूंगी। कुछ देर रुक जाओ, पढ़ना एक अच्छी बच्ची है। अभी वो तुम्हें भाई बोल देगी ना, तो फिर वो गंदी बच्ची हो जाएगी। इन हैंकी वेयर प्लीज, अभी तो किया था हैंकी। 3 मिनट, 3 मिनट नहीं भाई। हंसने लगी, पढ़ना। हाँ तुम बोलो पढ़ना इसको, भाई बोलो, देखो ये गुस्साता है कि नहीं। कहेगा मैं किसी का भाई नहीं हूं। डोंट यूज नंबर्स, स्पैम। हाँ इसको भाई ही बोलूंगी। पढ़ना, हम आपकी स्माइल में मर गए हैं, अच्छी बात है। उसने देखो तुम्हें भाई बोल दिया, अब जल्दी से बोला मैं किसी का भाई नहीं हूँ। नहीं, तुम सबके भाई हो। YT में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आज के बाद किसी की भी लाइफ में अमन आए ना, तो उसको भाई बोलना हर कोई। पढ़ना, मैं मरने जा रहा हूँ, बाय सभी लेडीज। पढ़ना है गंदी बच्ची, शुरू हो गया ये। सब गंदे, तुम अच्छे हैं ना अंकल?
पढ़ना, मैं किसी का भाई नहीं हूं। नहीं, तुम सबके भाई हो, तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम सबके भाई बने रहोगे। तुम शादी कर लोगे ना तो तुम किसी के भाई नहीं हो, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम सबके भाई हो। भाई 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 अमन हमेशा मरने की धमकी, हाँ धमकी देता है बस ये। पता है स्टार्टिंग में जब इसने ऐसा बोला ना, तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा कि यार ये सीरियस हो, कैसे बोल रहा है। जब ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, उसके बाद रिपीट ये हर की लाइफ में यही बोलता था, मरने जा रहा हूँ मरने जा रहा हूँ। मैं कह यार ये ऐसे ही बोलता है। मैम प्लीज 3 मिनट, वेयर आई वॉन्ट सी प्रॉपरली लास्ट टाइम प्लीज मैम। 3 मिनट तक तो नहीं कर सकती नितिन जी, ये गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकती ना मैं। मनी मैं किसी का भाई नहीं हूँ। आपने 3 मिनट अभी बोला, आपने बोला था फेस रैप दिखाने का, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपने 3 मिनट 5 मिनट तक, इतनी देर तक हमने मतलब लाइव में नहीं कर सकते ना। मनी एक गंदी बच्ची है। क्यों गंदी है, उसको गंदी मत बोलो। अमन सबका भाई है, हाँ अमन सबका भाई है। मैं जहर खा रहा हूँ पढ़ना, ठीक है तुम आज खाओ ना, खाते क्यों नहीं तुम जहर। मैं किसी का भाई नहीं हूँ। नहीं तुम भाई हो, अपना नाम जो ना चेंज करके भाई रख लो। प्लीज मैम नेक्स्ट टाइम आई वो नॉट आस्क प्रॉमिस। पढ़ना सच में एक गंदी बच्ची है। अरे बिंदी लगाइए। हाँ अरे पता, आज बाल धोए, आज कुछ नहीं किया, ऐसी तभी तो मैं ऑफ फेस आई थी, शाम को आई थी तब भी ऐसे ही। अब ढूंढू मैं बिंदी अपनी गाय। अमन एक अच्छे भाई है, हाँ बहुत भाई तो बहुत अच्छा है अमन। प्लीज वेयर मैम, मुझे नींद आ रही है। अच्छा रुको लगाती हूँ, देखना अपने भी शांति खाने में देखो। मैं अब सच में मरने जा रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ आज मर जाओ, तुम जाओ यही लाओ, यही लाइव में तुम जहर खाओ। अमन के जैसा भाई सबके होना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा भाई, अगर सच में कहूँ, मजाक नहीं सच में कहूँ, तो होना चाहिए। इतना मजाक करता है ना, इसकी बात ही ऐसी रहती है कि अगर नॉर्मल भी कोई गुस्से में बैठा हो या फिर कोई दुखी हो ना, इसकी बात सुन ले तो वो हंसने लग जाए। मैं जहर खा रहा हूँ बाय सभी लेडीजों को, और ये रोता है। आई वॉन्ट से प्रॉपरली प्लीज, आई वो नॉट आस्क नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस प्लीज मैम। ओ अरे ये गुस्से वाला, ये क्या है, ऊपर सर तुम्हारा लाल हो गया अमन। हाँ अमन अच्छा है, हाँ इस चीज के लिए नेचर बहुत अच्छा है। बाय अमन भाई। अब तुमको ना सब, हम सबको जब कोई भी आएगा ना, तो मैं उसको यही बोलूँ, वो नहीं जा रही है तुमको कह रही है बाय, तो सीना जाओ पढ़ना। अच्छा गुस्सा मत हो अमन जी, रुको 1 मिनट आती हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ पढ़ना, बिंदी लगा लूँ।
क्या लिखा है? मैं मरने जा रहा हूँ, पढ़ना। पढ़ना। अब भाई बोला तो मैं सच में मर जाऊंगा। अमन जी, आपने जहर खा लिया क्या? हाँ, मैंने खा लिया जहर। पढ़ना मनी और पढ़ना ने मेरा दिल तोड़ दिया है यार। ओ, अभी तक असर नहीं हुआ होने वाला है। पढ़ना, बिंदी में अच्छी लग रही हो दी। नहीं, लगाई रहती हूँ, लेकिन आज बाल धोया ना तो बिंदी उसमें निकल गई, और उसके बाद फिर ध्यान ही नहीं रहा लगाने का। बिंदी में बिल्कुल माता लग रही हो। और तुम क्या लग रहे हो, भैरो? अब ठीक है? हाँ, थोड़ा खाली खाली से लगता है ना जब नहीं किए रहो। मनी ये गंदी बच्ची, तुम गंदे हो। उसको गंदा गंदा नहीं बोला करो, समझे अमन? वरना तुमको टाइम आउट कर दूंगी यहां से। तो उस समय लगाए लगाए नहीं कुछ, और ऊपर जैसे बाल धो ना जिस दिन, तो पूरा एकदम अलग सा। तो मैंने अभी बाल भी नहीं झाड़ा अपना, और कि उसको झाड़ू। मैम प्लीज, मैम वी आर हैंकी, आई वॉन्ट बी प्रॉपरली, प्रॉमिस। सही कहा आपने, इसी बहाने में आपके हाथों से मरूंगा तो सही रुचू। तुम घर आ जाओ, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी। आओ तुम घर। बाय अमन भाई कर दो मुझे टाइम आउट रुचू। मैं किसी का भाई नहीं हूं, पढ़ना। हाँ, तब भी ठीक लग रहा। खाली खाली सा रहता है ना अगर ये एरिया ना, सिर्फ एक बिंदी से सोचो पूरे फेस पे रौनक आ जाती है, बिंदी और काजल वगैरह लग जाए तो। 3 मिनट मैम, आई वॉन्ट नॉट टू प्रॉमिस, प्लीज वेयर। 3 मिनट बहुत ज़्यादा है नितिन, 3 मिनट मैं नहीं कर सकती, सॉरी। पढ़ना, भाई बोला तो मैं कभी भी लाइफ में नहीं आऊंगा, पढ़ना प्लीज मैम। क्या हुआ तनु? रुचु माता की जय। अब मैं तुम्हारे कोई मैसेज नहीं रीड करूंगी अमन। क्या हुआ? अच्छा, टंग अंदर करो, सब देख रहे हैं, टंग अंदर करो। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट आस्क, प्रॉमिस मैम, वेयर इन हैंकी। ओके ओके नितिन, बट मैं 3 मिनट तो नहीं करूंगी, 1 मिनट मैं कर सकती हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं। मोबाइल 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 नो, मोबाइल मोबाइल नो। रुचि ने, आप अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। रुचि क्या नहीं करूंगी? नो रुचि, आप अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज मैम वेयर। छोटा भाई नहीं, मेरा छोटा बेटा है पग्गू। हाय करो, हाय करो, हाय हाय। इतना मुस्कुरा के हाय करोगे, लड़कियां बेहोश हो जाएंगी। बबल 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 क्या है कि कुछ अच्छी बात करोगे? हाँ, बस पीछे पड़ गया हैंकी के। आपने एक बार बोला ना, देखिए मैंने कर दिया, बबल मैंने दुपट्टे से भी कर दिया, हैंकी से भी। अब मैं बबल उसको लंबे टाइम तक स्टे नहीं कर सकती ना, नहीं तो मेरी लाइफ बबल में ऐसा वाइटी के अगेंस्ट जाके थोड़ी मैं काम करूंगी। बबल अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी बाय अमन। बाय अच्छा हाय करो मैम, प्लीज वेयर, शो मी हाउ वेल। हाय आप मेरी वीडियो देख लो ना, हाय मेरी वीडियो में भी हैंकी से मैंने वेयर कर रखा है, आप पूरी वीडियो देख लो। दो तीन तरह की, इस बाय तरह की मैंने वीडियो डाली हुई है, पोस्ट की हुई है, हैंकी से भी है, और दुपट्टे से है, स्टोल से है, स्कार्फ से है, तो आप वहां पे देख लो, आपको दिख जाएगा। बेटा हाय करो, बोलो अमन भाई, बोलो भाई भाई, बोलो भाई हाय। देखो तुम्हें अमन अमन भाई कह रही है, अमन भाई हाय, बोलो भाई हाय।
मैम प्लीज मेक सारी टक्स हैंग की वीडियो मैम। अरे अब शो मी नाउ प्लीज, आई वॉन्ट आस्क नेक्स्ट टाइम प्लीज। आपने जिसमें बोला ना वो मैंने कर दिया नितिन जी, एंड आप उस चीज को आप रिपीट कर रहे हो बार बार। साड़ी में, साड़ी के लिए तो मोहन जी आपको भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साड़ी में मुझे समझ में नहीं आता। अभी तो मैं, मेरी ऑलरेडी वीडियो और साड़ी मुझे बनानी है, बन रही है, तो अभी उसके लिए तुरंत मैं नहीं कर सकती। प्लीज मैम। हे भाई क्यूट बेबी, गया वो भाई बोल के, आप पे गया है आपका छोटा भाई। अच्छा हाँ, पता नहीं शायद गया होगा मेरे पे, मुझे लगता नहीं। कैसे हो क्यूट भाई, चला गया वो मेरा तनु, मैं दे दो वो, देखो मेरा फोन का पीछे का रैप लेके चला गया। तनाव बेटा उसको देना। साड़ी टेक्स कॉटन हैंकी वीडियो मैम, डिफरेंट स्टाइल्स मैम। ओके जैम शिमोन, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आप वहां से देख लेना। साड़ी टेक्स कॉटन हैंकी, जानवी पांडे का प्रॉमिस, आई वॉन्ट आस्क नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, प्लीज शो मी प्लीज। दोनों भाई बहन बहुत, तुमसे कम हूँ, ठीक है, तुमसे कम हूँ मैं अमन, तुमसे कम हूँ। पीछे पड़ जाते हो आप लोग, पता है। इन हैंकी शो मी प्लीज, हैंकी मेरा बेटा रह गया। ओनली कॉटन हैंकी यूज मैम सारी टेक्स वीडियो। अच्छा ओके ठीक है, कॉटन हैंकी से ही करूंगी, ठीक है। मैं ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही। हाँ हाँ कर लो, जो बाहर हो वो अंदर कर लो, सामान वगैरह। लेडीज हाँ ठीक है, लेडीज हैंकी मुझे समझ में आ गया मोहन जी, प्लीज शो मी मैम। पहले तो आप अपने ये मैसेज जो डिलीट कर रहे हो ना, आप लोग अपने मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो? आप लोग सोचते हो मैसेज डिलीट कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सारे जो भी लाइव वगैरह वीडियोस होती है ना, वो सब वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, वो सारा कुछ वहाँ होता है, तो आप यहाँ पे डिलीट कर दो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ दिख जाता है, तो आप ये डिलीट मत किया करो। तनाव नहीं, बाहर नहीं। थैंक यू। ड्रेसिंग की कीज की कहीं खो गई थी, आज मिली, था तो इधर उधर रख किया होगा ना, इसलिए। प्लीज शो मी मैन इन्हें की, मैम इन्हें की। 10 बजने वाला है, 10 बजे में लग रहा पापा आ गए, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। ये लो देखो, मैंने हैंकी वेयर कर लिया, देखो मैम प्लीज मैम आई वोंट सी प्रॉपरली, शो मी इन हैंकी।
अरे राहुल कहाँ, मैंने दुपट्टे में किया था, तुम कहीं चले गए थे। अरे मैम प्लीज शो विद दुपट्टा। और ये ऐसे करके बैठी तो बांधने की क्या जरूरत है, ऐसे देखो चला गया था। अच्छा, लास्ट टाइम आई कांट सी भैया, आपको दिख नहीं रहा तो फिर इसमें मैं क्या करूंगी, तो एकदम सामने बैठी हूँ और दिख नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुपट्टा वाला मैं करूंगी, वो सही के बोलता है। ठीक हेड कवर आल्सो। अच्छा, हेड भी कवर करना है। ओके ठीक है। वेलकम। क्या बोला? विथ स्कार्फ कवर इन हैंकी आल्सो मैम विथ स्कार्फ। हो गया, अब हटा लो। सॉरी नितिन, मैं लाइव के एंड तक ऐसे नहीं रख सकती। देखो उन्होंने बोला ना, रवि ने, बोला कि उन्होंने इतनी देर के लिए नहीं बोला, रवि नहीं सॉरी राहुल ने बोला, और मैंने वैसे किया, उन्होंने कोई वो नहीं बोला कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, आप सीधे से 5 मिनट या 3 मिनट के लिए बोल रहे हो, तो इतनी देर तक और मैं कब एंड करूँगी, इतनी देर तक मैं नहीं रख सकती ना। आपको करके दिखाना था तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन आप उसको सोचो कि मैं टिल एंड लाइव एंड तक रखूँ, तो सॉरी वो नहीं कर सकती ना मैं, वो हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा। हो गया बस करो यार, परेशान हो गई, मुझे पता है सर में ही सब चीज चढ़ जाती है। तो आज क्या खाया?
अमन सच में जहर खाने चला गया क्या? परसों आ रहे हैं मतलब शुक्रवार को, तो वही शुक्रवार को आएंगे, सैटरडे संडे रहेंगे, मंडे को जाएंगे। मम्मा बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन आप मना मत करना बोलो कि मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं बिस्किट ले सकता हूँ। नहीं मैं, आप खाना खाओ, भूख लगी है तो बिस्किट से पेट थोड़ी बढ़ता है। लेने दो ना। नहीं नहीं बाबू, बाबू क्या कर रहे हो आप? लेने दो ना प्लीज मम्मा। बेबी कितना क्यूट बोलता है, अरे तुम्हें अपने घर ले जाओ बेबी को, मेरे दोनों बेबी को घर लेके जाओ। तनु परेशान करता है। हाँ बन गया ये, क्या देख लो मेरा ट्राइपॉड पीछे से उसको वो कर रहा है, मतलब हिल रहा है इसीलिए। हाँ तनु, और गुस्सा आता है इतना कि पीछे नहीं देखो। तना अन्ना मैं पीटूंगी, खाना खाओ ना बेटा। क्या बात है, मेरा फोन ही गिर गया। चलो अब सही, अब हाथ में ले लो। और पता है इसे यूट्यूब में ऐसे से करते हैं तो मेरा बेटा क्या कर लेगा, फोन ले लेगा और ऐसे करेगा कि ये देखिए मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा हैं, तो आज हम यहाँ जा रहे हैं और मेरे चैनल को लाए, ऐसे करता है। हम सुनते रहते हैं, उनका हे भगवान, मतलब ये इन लोगों को तो कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देख देख के सारा सीख गए हैं, हम के बस अब तुम लोगों के सामने कुछ नहीं करना है। ले लिए खाना, कौन खाएगा? और पेट खराब हुआ ना समझ लेना। अरे वाह, और क्या, उस वो तो अपना एक पता है वीडियो भी बनाया हुआ है, उससे पूछ रही हूँ मैं कि मम्मा कैसे बोलती है, तो कहेगा कि अच्छा तो अब मैंने ये डाला वो डाला और इसको मिक्स किया और ये रेडी हो गया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, पूरा बोलता है अच्छे से। हमने कहा अच्छा है बेटा तुम ही बोल दिया करो। मैम रेड वाला दुपट्टा से पूरा फेस हेड कवर कर के दिखाओ। राहुल अब मैंने ना ट्राइपॉड में लगाया हुआ था, फ़ोन वो हटा लिया है और हाथ में ले लिया, तो कल मैं आऊँगी ना लाइव तो फिर आप ये रिक्वेस्ट आपकी कल पूरी कर दूँगी, ठीक है? हाँ हाँ एकदम स्मार्ट बेबी, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है यार। और वो छोटा वाला भी बदमाशी, देखो ना इतनी देर में ट्राइपॉड में लगा के किसी तरह सेट किया था क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया ना उसको ट्राईपॉड का पैर पकड़ के खींच लिया और मेरा फ़ोन निकला है बाहर ट्राईपॉड से, ऊपर से गुस्सा भी रहा है। क्या पकड़ा हुआ था उसने, बास्केट पकड़ी हुई थी उसको ठाक फेंक दिया गुस्से में। मैं सोच रही हूँ मुझे घर जाना, मैं कह रही हूँ कि तुम यहीं रहो और मैं जाती हूँ अपने घर, तो गुस्सा आ रहा है, कह रहे नहीं हम भी चलेंगे साथ में, उनके वहाँ जाओगे मैं दिमाग खाने, दोनों लोग पागल कर दोगे मुझे। जो ड्रेस बोल रही थी ना मनी, वो मंगाया है मैंने, अब देखो साइज़ तो खैर मैंने एकदम एक्सेल एक्सेल मंगाई है, लेकिन हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उसको वापस करो, फिर दिमाग ख़राब, फिर चलो फिर ढूंढो, तब फिर मुझे मार्केट जाके ही देखना पड़ेगा। चलो दी जा रही हूँ। ओके ओके चलो मैं भी चलूँगी, मम्मी को बोली थी 9:30 बजे फ़ोन करूँगी, मैंने किया नहीं। हाँ हाँ नहीं ठीक है, उसको भी खाना खाना वाना खा लिए ना, तो सुलाओ अब उसको भी। अच्छा हाँ काफ़ी देर तक बात हुई मम्मी से,
मोनू दिया है ना फोन खरीद के, तो वो पहुंच गया फोन, तो उसी से बात हो रही थी। बताइएगा आ जाए तो कौन। अच्छा हाँ, नहीं मैं तुम्हें पिक्चर भेजती हूँ उसकी, ठीक है। पिक्चर तो मैंने रखी, मम्मी को दिखाई थी ना घर पे, भेजी थी पिक्चर, तो उसकी पिक्चर भेजती हूँ। ओके टेक केयर। हाँ ओके चलो, ओके बाय, मैं भी चलती हूँ, चलो गुड नाइट। अभी तो जगूंगी लेकिन। अच्छा वो नहीं खाया है तो खिला दो ना उसको, तो बहुत देर हो गई है, खिला दो, अब सुला भी दो, नहीं फिर सुबह स्कूल भी तो जाना होगा ना टाइमली। ओके ओके चलो, ओके बाय, टेक केयर, बाय ऑल, बाय पढ़ना, गुड नाइट, टेक केयर, बाय अमन, बाय अमन दूसरा वाला, बाय उज्जवल एंड बाय राहुल, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा थोड़ा थोड़ा खा ली, हाँ थोड़ा उसमें पेट भर जाता है ना, थोड़ा बहुत खा लो तो फिर मन नहीं करता खाने का। चलो ओके गाइस, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।